हेलो फ्रेंड्स, मैं डीके हूं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एक तकनीकी विश्लेषण श्रृंखला में, अ टेक्निकल एनालिसिस सीरीज बाय डीके। फ्रेंड्स, आज वीकेंड में हम वीकली इंडेक्स चेक के तहत आज निफ्टी 50 के प्राइस चार्ट को एनालाइज करेंगे। और जैसा आप सभी जानते हैं दोस्तों कि हम निफ्टी 50 के एनालिसिस में उसके सेक्टर की भी एनालिसिस करते हैं, ताकि आप एक होलिस्टिक व्यू बना सकें, और साथ में हम ग्लोबल इंडाइसेस की भी एनालिसिस करते हैं, ताकि विश्व के बाजारों के बारे में भी एक जनरल हमारे दिमाग में मैपिंग होना चाहिए। तो दोस्तों, आज 26 जुलाई 2019 को जब ये सप्ताह की समाप्ति हुई, इस वीक की समाप्ति हुई, उसके पश्चात ये एनालिसिस की जा रही है दोस्तों, ताकि हम आने वाले सप्ताह में जो 29 जुलाई को जो सप्ताह स्टार्ट होगा, क्योंकि आज 26 है, सैटरडे संडे मार्केट बंद है 27-28 जुलाई, तो जो उसके बाद में सप्ताह चालू होगा उसमें हम क्या ब्रॉडर रेंज रहने की संभावना है बेस इंडेक्स की, बेंचमार्क इंडेक्स की, निफ्टी 50 की, वो जानने की कोशिश करेंगे। और साथ में हम इसे कंबाइन करेंगे दोस्तों ऑप्शन चेन एनालिसिस से, ताकि हम एक आइडिया बना सके। दोस्तों, आप अगर इस चैनल को वॉच कर रहे हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपके राइट साइड में एक सब्सक्राइब बटन है, उसे क्लिक करें और इस परिवार का हिस्सा बने। एंड दोस्तों, सिर्फ सब्सक्राइब करने से उद्देश्य पूरा नहीं होगा, पर्पस पूरा नहीं होगा, आपको बेल आइकन को भी नोटिफिकेशन के लिए एनेबल करना होगा, ताकि हर आने वाले वीडियो के बारे में जानकारी आपको समय पे मिल सके और आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करें। तो दोस्तों, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम एनालिसिस की शुरुआत करें, इसके पहले आपसे अनुरोध किया जाता है कि आप स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर को एक बार ध्यान से पढ़ लें। तो चलिए दोस्तों, हम प्राइस चार्ट के ऊपर में एनालिसिस की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, चलिए हम एनालिसिस की शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले हम ग्लोबल इंडेक्स को देखना चाहेंगे, एशिया के, यूरोप के और अमेरिकन इंडेक्स को, ताकि हमें वर्ल्ड के मार्केट के, वर्ल्ड इंडाइसेस के बारे में भी एक व्यू बन सके। तो दोस्तों, ये डैक्स का चार्ट है, जो हम सभी जानते हैं, ये जर्मनी का ये एक बेंचमार्क इंडेक्स है, और ये डेली टाइम फ्रेम में चार्ट है। दोस्तों, इस वीक में ये मार्केट अभी क्लोज नहीं हुआ है, हम देख सकते हैं प्राइस का मूवमेंट, दिस इज द लाइव चार्ट ऑफ डैक्स। सो दोस्तों, अगर इसमें देखें तो ओवरऑल ट्रेंड तो बुलिश नजर आ रहा है, प्राइस सभी क्रिटिकल मूविंग एवरेज के ऊपर में ट्रेड हो रही है, और ये करेक्शन जो एक बड़ी बेरिश कैंडल बनी है, इसे हम देख सकते हैं, प्राइस इस पर्टिकुलर डिमांड एरिया में है, और जहां से आज प्राइस रिवर्सल इंडिकेट कर रही है, ऑल्दो बहुत नैरो रेंज में ट्रेडिंग हो रही है, इसीलिए ये हम बोल सकते हैं कि ये जो बैंड है, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस का बैंड दिखाया गया है, वो एक सपोर्ट एरिया है और ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, और ये फ्रेंच इंडेक्स है, कैक 40, और ये बेंचमार्क इंडेक्स है, इसे हम देखते हैं। तो दोस्तों, इसमें भी हम देखते हैं ये हॉरिजॉन्टल लाइन, जो दो हॉरिजॉन्टल लाइन खींची गई है, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, और प्राइस जो है आज नेगेटिव में ट्रेड हो रही है, जबकि जर्मन इंडेक्स ग्रीन में है, और यहाँ पर हम देख सकते हैं प्राइस इस जगह पे रेजिस्टेंस लेती हुई नजर आ रही है। एक लाइन और हॉरिजॉन्टल खींचते हैं ताकि और क्लैरिटी आ सके। हम देख सकते हैं ये रेजिस्टेंस एरिया है, प्राइस इसके ऊपर में गई बट सस्टेन नहीं कर पाई, बट ओवरऑल ट्रेंड ये भी बुलिश है, और ये एक कंसोलिडेशन फेज में नजर आता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और
फुटसी के चार्ट को देखते हैं, फुटसी यूरो टॉप 100, और इसे हम देख सकते हैं ये भी बुलिश ट्रेंड में है, और प्राइस यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट हम देख सकते हैं ईएमए 21 पर, और आज जो कैंडलस्टिक बनी है आज ये फिलहाल 0.5% ये ओपनिंग जो हुई है उससे 0.5% ऊपर है कल की क्लोजिंग के रिस्पेक्ट में। और ये अगर हम फॉर्मेशन को ध्यान से देखें आज दोस्तों जो हो रहा है, तो ये बेसिकली ये सपोर्ट एरिया से प्राइस राइज कर रही है, और इन दोनों कैंडल को अगर हम कंबाइन कर दें तो फिलहाल अभी क्लोज नहीं हुई है कैंडल, पर अभी तक का फॉर्मेशन जो है वो इंडिकेट करता है कि पिन बार फॉर्मेशन की संभावना नजर आ रही है। चलिए हम एशियन इंडेक्स की तरफ बढ़ते हैं। ये है निकाई 225 जो जापनीज बेंचमार्क इंडेक्स है, इसमें हमने डिस्कस किया था दोस्तों कि ये आप देख सकते हैं इस जगह पे प्राइस, ऑल्दो ओवरऑल ट्रेंड इसका प्राइस पिछले सप्ताह में जब हमने एनालिसिस की थी तब ये एसएमए 233 के नीचे प्राइस ट्रेड हो रही थी, अभी हम देख सकते हैं कि प्राइस वर्चुअली इस काउंटर ट्रेंड लाइन को ब्रीच करके, ये आप देख सकते हैं इस काउंटर ट्रेंड लाइन को ब्रीच करके नाउ प्राइस डिसाइसिवली ऊपर में ट्रेड कर रही है। और अगर हम इसे देखें तो दोस्तों ये एक इसमें रिवर्सल नजर आ रहा है, आप इमेजिन करेंगे तो ये एक बेसिकली इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी है जो लेटेस्ट ड्रॉ इसको मैं छोटा कर लेता हूं फ्रेंड्स तो ड्रॉ करने में आसानी होगी। तो ये बेरिश ट्रेंड में था, इसने ये लेफ्ट शोल्डर बनाया और ये हेड बनाया, ऊपर में प्राइस गई और ये दोस्तों राइट शोल्डर बनाया और इसे मैं यहाँ ज्वाइन करता हूँ। तो दोस्तों इसे अगर हम ध्यान से देखें तो ये बेसिकली दोस्तों अगर इस नेकलाइन को ब्रेक करके प्राइस ऊपर जाती है तो काफ़ी बड़ा अपसाइड इसमें पॉसिबल हो सकता है। अभी भी प्राइस स्ट्रक्चर इसका ऐसा है दोस्तों कि अगर ये प्राइस इस काउंटर ट्रेंड लाइन को ब्रीच करके ऊपर में गई है तो अगर हम ये ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करें, यहाँ पे ट्रेंड लाइन ने सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, तो बेसिकली ये एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का अगर हम इसे और एक्सटेंड कर दें दोस्तों तो ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट नजर आता है दोस्तों। तो दोस्तों आगे चलते हैं, एशिया के दूसरे इंडेक्स को देखते हैं। ये कॉस्पी है जो कॉस्पी का कंपोजिट इंडेक्स है जो कोरियन इंडेक्स है दोस्तों। इसमें हम देख सकते हैं ओवरऑल ट्रेंड बेरिश है क्योंकि प्राइस सभी क्रिटिकल मूविंग एवरेजेस के नीचे है, बट ये जो इसने लो बनाया प्राइस ने अपसाइड लिया और यहाँ पे लो बनाने में प्राइस फेल हुई है, और आज का जो फॉर्मेशन है हम एक पिन बार फॉर्मेशन देख सकते हैं एक सपोर्ट एरिया के पास में। अभी इसमें कहना बहुत मुश्किल है, एक एक प्राइस कंसोलिडेट करती नजर आ रही है और ये प्राइस इस पर्टिकुलर रेंज में ट्रेड हो रही है जो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सपोर्ट था, जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगी। चलिए दोस्तों हम सेट 50 की तरफ बढ़ते हैं। ये थाईलैंड का इंडेक्स है और दोस्तों इसमें हम देख सकते हैं पिछले सप्ताह में भी हमने ये ट्रेंड लाइन खींच के आपको दर्शाया था कि यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ है, प्राइस ने ब्रेकडाउन होने के बाद ये ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया जो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट की, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है दोस्तों जो एक सपोर्ट एरिया है प्राइस ने इसको आज डाउन साइड में ब्रीच किया है। सो नेक्स्ट पॉसिबल लेवल ये नजर आता है जो पिछला यहाँ पे हाई है, ये देखिए रेजिस्टेंस है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, सो ये प्रॉब्ली सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, तो इसमें फर्दर करेक्शन पॉसिबल है और यहाँ पर भी गैप है, पॉसिबली ये गैप को फिल करेगा एंड इस सपोर्ट को टेस्ट करेगा, इस रेजिस्टेंस को टेस्ट करेगा जो अब सपोर्ट की तरह काम करेगी। सो ओवरऑल ट्रेंड एज पर मूविंग एवरेजेस ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब अमेरिकन इंडेक्स को देखते हैं। ये दोस्तों नैसडेक 100 का चार्ट है और हम यहाँ देख सकते हैं कि नैसडेक में फिलहाल आज की एक दिन की ट्रेडिंग
जो है नैसडेक की वो बाकी है इस सप्ताह में। और यहाँ पर हम देख सकते हैं ये एक सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस था जो अब सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है और ओवरऑल ट्रेंड इसमें बुलिश है। चलिए S&P 500 देखते हैं जो ग्लोबली बहुत पॉपुलर इंडेक्स है और इसमें बहुत वॉल्यूम में ट्रेडिंग भी होती है। तो S&P 500 के चार्ट को देखें तो दोस्तों ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। हम देख सकते हैं यहाँ रेजिस्टेंस था, इस जगह पे इसने ब्रेकआउट दिया और इसके बाद में प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही है। सो प्राइस कल की कैंडल देखें तो ये काइंड ऑफ बेरिश हरामी फॉर्मेशन है और हो सकता है प्राइस आज नीचे करेक्ट करके EMA 21 को टेस्ट करे, बिकॉज फिलहाल ये जो ग्रीन कैंडल है लास्ट जो 24 जुलाई की है इसका हाई जो है वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। तो देखना होगा कि इस सप्ताह की क्लोजिंग कैसी होती है, क्योंकि तो 3 दिन तक लगातार इसने बुलिश ट्रेंड दिखाया है, उसके बाद इसने अपने बेरिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट की तरफ और सेक्टर के इंडेक्स को एनालाइज करते हैं। दोस्तों लास्ट वीक में हमने निफ्टी कंजम्पशन के प्राइस चार्ट पर डिस्कस करके इस चैनल की बात की थी और यहाँ पे हम देख सकते हैं इस चैनल का डाउनसाइड में 19 जुलाई को डाउनसाइड में ब्रेकडाउन हुआ। हमने साथ में ये भी डिस्कस किया था ये ब्रेकडाउन तो हुआ है बट ये डिसाइसिव नहीं है और ये भी कहा था कि देखना होगा आने वाले सप्ताह में क्या बिहेवियर रहता है। तो हम देख सकते हैं बहुत छोटी छोटी कैंडल, बहुत स्मॉल बॉडी के साथ कैंडल बढ़ी है। तो वर्चुअली प्राइस ने पिछले 4 डेज तक एक कंसोलिडेट किया है बहुत ही बेयर मिनिमम रेंज में और आज की कैंडल जो है दोस्तों 26 जुलाई की हम देख सकते हैं कि ये पर्टिकुलर चैनल के रेंज के अंदर में क्लोजिंग इसने दिया है और इसने पिछले 4 दिन के ट्रेडिंग रेंज को एनगल्फ किया है। सो पॉसिबली अगर ये चैनल रिस्पेक्ट कर रहा है काफी दिनों से तो पॉसिबली इसका अपसाइड अब ऊपर के 5 तक होने की संभावना को रूल आउट नहीं किया जा सकता है। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और रियलिटी सेक्टर के इंडेक्स को देखते हैं। हम इसमें देख सकते हैं ये ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है और ये जो ट्रेंड लाइन है जो खींची गई थी यहाँ पर टेस्ट किया, यहाँ टेस्ट किया, यहाँ टेस्ट किया, तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगी। और फिलहाल प्राइस अभी देखें आप तो SMA 89 के ऊपर में सपोर्ट लेते हुए नजर आ रही है, जो पिछले बार भी यहाँ पे SMA 89 पे इसने सपोर्ट लिया, यहाँ पर भी सपोर्ट लिया। सो प्रॉब्ली ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन भी दर्शाता है, यहाँ पर आप देखिए ये सपोर्ट है और ये सपोर्ट बैंड है। सो वर्चुअली अगर हम ये काउंटर ट्रेंड की बात करें तो ये काउंटर ट्रेंड को अगर ये ब्रीच करके ऊपर में जाता है तो दिस विल बी अ ब्रेकआउट एंड ओवरऑल ट्रेंड रियलिटी सेक्टर का बुलिश है और ये करेक्शन होने के बाद ये रिवर्सल इंडिकेट कर रहा है। अब हम दोस्तों बढ़ते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के, तो निफ्टी इंफ्रा को देखते हैं। ये ट्रेंड लाइन है सपोर्ट 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 और यहां से ये सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है जो कन्फ्लुएंसिंग पॉइंट है SMA 233 का जो हम देख सकते हैं। सो दोस्तों ओवरऑल ट्रेंड इसमें भी बुलिश है। सो देखना ये है दोस्तों कि इसमें फर्दर रिवर्सल होता है कि नहीं, बिकॉज अभी तक तो फिलहाल इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करता नजर आ रहा है जो इंपॉर्टेंट कन्फ्लुएंसिंग पॉइंट पर है SMA 233। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मीडिया क्षेत्र को। पिछले सप्ताह भी हमने बात किया था ये एक नैरो रेंज में ट्रेड हो रहा है और आप देख सकते हैं ये अपर हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वाली जो लाइन है ये एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रही है और ये सपोर्ट की तरह एक्ट कर रही है। डबल बॉटम का फॉर्मेशन है इसमें, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि डबल बॉटम का ब्रेकआउट है कि जब तक यहाँ अपेक्स को नहीं ब्रेकआउट देता है तब तक इसे हम ब्रेकआउट नहीं बोल सकते, बट यस प्राइस इस नैरो रेंज में कंसोलिडेट करती हुई नजर आ रही है और ऐसा लग रहा है कि अक्यूमुलेशन
फॉर्म में है। अब ये देखना है कि जब तक ये इस पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल लाइन को अपसाइड में अगले सप्ताह में ब्रेक नहीं करती है तो फर्दर कुछ भी नहीं बोला जा सकता है, क्योंकि ये एक डाउन ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है। हम देख सकते हैं प्राइस SMA 233 के नीचे है, SMA 89 SMA 233 के नीचे है और EMA 21 EMA 55 के नीचे है। यस, वन एनकरेजिंग पॉइंट जो है, जो मैं आपको शेयर करना चाहूँगा, वो ये है दोस्तों कि अगर हम इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करें दोस्तों, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आज के कैंडल का जो फॉर्मेशन हुआ है वो दोस्तों ओपनिंग एंड क्लोजिंग इस ट्रेंड लाइन के ऊपर में हुई है, जो अभी तक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रही थी। सो दोस्तों, पॉसिबली इसमें रिवर्सल होने की संभावना तब तक नहीं है जब तक इसके ऊपर में ये जो रेजिस्टेंस है, की रेजिस्टेंस एरिया, वो अपसाइड में ब्रेक नहीं करता है। अब दोस्तों बढ़ते हैं और देखते हैं निफ्टी के प्राइवेट बैंक के चार्ट को। दोस्तों लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब हम इंडेक्स की वीकली एनालिसिस करते हैं तो पिछले वीडियो को भी एक बार आप जरूर विजिट करके पूरा देखें और उसे कोरिलेट करने की कोशिश करें दोस्तों, क्योंकि ये एनालिसिस जो की जाती है, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ मूवमेंट, कि क्या पॉसिबल मूवमेंट हो सकता है। तो पिछले सप्ताह में जो हमने एनालाइज किया है वो कहाँ तक हम सफल हुए हैं उसको एनालाइज करने में, और इस सप्ताह में हम पिछले सप्ताह को ऑलवेज कोरिलेट करते हैं, इसलिए बेहतर होगा कि दोनों वीडियो को वन बाय वन अगर आप देखेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो दोस्तों यहाँ हम देख सकते हैं, लास्ट वीक में हमने डिस्कस किया था कि ये आप देखिए, यहाँ से प्राइस ने फॉल किया, ये अपसाइड मूव लिया और अपसाइड मूव लेने के बाद EMA 55 से इसने फेल्ड टॉप बनाया, ये टॉप को ब्रीच करने में फेल हो गया और इसके बाद ये फेल्ड टॉप का ये डाउन साइड में यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ। और हमने ये भी डिस्कस किया था अगर ब्रेकडाउन होता है तो ये, हमने ये वर्टिकल लाइन खींची थी यहाँ से मेजर करके, इसका टारगेट संभवतः इस जगह पे आने की संभावना है। करीब करीब उसी लेवल पे प्राइस में ये टारगेट अचीव हुआ और अभी हम देख सकते हैं कि प्राइस एक रिवर्सल इंडिकेट कर रही है SMA 233 के पास से। एंड फिलहाल ये प्राइस में देखें तो आज ये कंफर्मेशन दिखाया है और इस रेंज के अंदर में प्राइस चली गई है। तो प्राइवेट बैंक के इंडेक्स इनकरेजिंग नजर आ रहा है कि प्रोबेबली ये यहां से सपोर्ट लेके रिवर्सल दर्शा सकता है आने वाले सप्ताह में। शॉर्ट टर्म ट्रेंड ऑफ कोर्स बेरिश है क्योंकि EMA 21 EMA 55 के नीचे है, बट इंटरमीडिएट ट्रेंड अभी भी बुलिश है इस पर्टिकुलर इंडेक्स का। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और मेटल को स्टडी करते हैं दोस्तों। निफ्टी मेटल जैसा हमने पिछले सप्ताह में दिया था, ये काफी वीक नजर आ रहा था। हम देख सकते हैं ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह ट्रेंड लाइन एक्ट कर रही है, जब भी प्राइस इसको टच करती है ये नीचे आती है। बट इसमें गौर करने वाली बात ये है दोस्तों कि ये जो एक स्टीप फॉल हुआ था इसके बाद प्राइस ने इस पर्टिकुलर लेवल को अभी तक ब्रीच नहीं किया है, हम यहां देख सकते हैं। और वंस अगेन अगर हम ध्यान से इसको देखें तो अगेन आज डोजी का फॉर्मेशन हुआ है और ये पिन बार का फॉर्मेशन प्राइस को फर्दर फॉल करने से अरेस्ट कर रहा है। लेकिन अगर हम पैटर्न की बात करें दोस्तों तो ये जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल का जो ब्रेकडाउन हुआ है ये इतना आसान नहीं होगा इसको रिवर्सल दिखाना। ये पॉसिबल हो सकता है कि प्राइस अपसाइड में मूव करके ये पर्टिकुलर जो अभी तक सपोर्ट लाइन थी, ये ट्रेंड लाइन, इसको टेस्ट कर सकती है अपसाइड में। बट अगर वो टेस्ट भी करती है तो काफी बड़ा मूवमेंट होगा, अभी 2692 पे है और इसका लेवल समवेयर आ रहा है 2900 के आसपास। तो इवन अपसाइड होता है तो काफी स्ट्रॉन्ग अपसाइड हो सकता है।
ओवरऑल स्ट्रक्चर वीक है, ट्रेंड बेरिश है, चाहे हम इंटरमीडिएट ट्रेंड की बात करें या शॉर्ट टर्म ट्रेंड की बात करें। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं फाइनेंशियल सर्विस के निफ्टी को, और यहाँ पर हम देख सकते हैं, हमने लास्ट वीक में भी बात किया था, ये सपोर्ट ड्रॉ किया था, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये गैप एक सपोर्ट की तरह काम करेगा और उसी जगह पे ये प्राइस का मूवमेंट अरेस्ट होते नजर आ रहा है। यहाँ हम देख सकते हैं ये गैप डाउन ओपनिंग हुई, गैप डाउन होने के बाद डोजी का फॉर्मेशन हुआ और ये कैंडलस्टिक, अगर हम ये पिछले तीन दिन के प्राइस एक्शन को कंबाइन करें तो ये एक तरह से मॉर्निंग स्टार जैसा फॉर्मेशन नजर आता है। तो दोस्तों यहाँ से रिवर्सल की संभावना फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में नजर आती है और दिस विल एक्ट एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, जो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की गई है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं एंड दोस्तों अब पब्लिक सेक्टर बैंक के निफ्टी को देखते हैं। दोस्तों जैसा हमने पिछले वीक में बात किया, ये ओवरऑल स्ट्रक्चर इसका वीक नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ था और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकडाउन होने के बाद ये प्राइस आज का जो फॉर्मेशन है वो हम देख सकते हैं, प्राइस आज गैप अप ओपनिंग हुई है विथ रिस्पेक्ट टू प्रीवियस डे क्लोजिंग। 25 जुलाई को जो क्लोजिंग हुई थी उससे आज के कैंडल की जो ओपनिंग हुई है वो गैप अप ओपनिंग हुई है। ऑफ कोर्स ये गैप विजिबल नहीं है बट यस क्लोजिंग टू ओपनिंग में गैप है और ये गैप जो है काफी स्ट्रॉन्ग माना जाता है इस तरह का गैप दोस्तों। तो यहां पर अगर हम देखते हैं तो इस जगह पे पब्लिक सेक्टर बैंक का ओवरऑल स्ट्रक्चर तो अभी फिलहाल वीक नजर आ रहा है बट इसका जो सपोर्ट बैंड है मैं वो खींचने की कोशिश कर रहा हूं। तो हम यहां देख सकते हैं ये जो बैंड हमने दो हॉरिजॉन्टल लाइन खींची ये स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है दोस्तों और प्राइस का फिलहाल हम एक और ट्रेंड लाइन खींचने की कोशिश करें पिछले प्राइस एक्शन पे। ये दोस्तों हमने एक और ट्रेंड लाइन खींची तो पॉसिबली यहां पर भी ये सपोर्ट ले सकता है। अब दोस्तों ये बेसिकली आप देखिए तो ये अभी फिलहाल वीक नजर आ रहा है, देखना अगले वीक में होगा कि इसकी मूवमेंट कैसी रहती है। तो फिलहाल अभी इसमें न्यूट्रल व्यू है क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड अगर ये फेल्ड बॉटम है और यहाँ पर अगर सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकडाउन हुआ है तो संभवतः फॉल इसमें काफी बड़ा हो सकता है। ये दोस्तों निफ्टी एनर्जी का चार्ट है और हम निफ्टी एनर्जी के चार्ट को देखें दोस्तों तो इसमें ब्रेकडाउन हो चुका है। अभी तक प्राइस इस ब्रॉडर रेंज में जो हॉरिजॉन्टल लाइन से दर्शाई गई है इस रेंज में ट्रेड हो रही थी और इस रेंज का ब्रेकडाउन यहाँ पे हम डिसाइसिव ब्रेकडाउन देख सकते हैं जो कैंडल ओपनिंग एंड क्लोजिंग इसके नीचे में हुई है। सो दोस्तों इसमें ओवरऑल स्ट्रक्चर वीक है और ये अगर देखें तो ये ट्रिपल टॉप है, यहाँ पे टॉप बनाया, इस जगह टॉप बनाया, इस जगह टॉप बनाया और इसके अपेक्स को ये तोड़ के नीचे आ गया है। अगर हम इसकी फॉल की संभावना को देखें तो ये यहाँ से लेकर अगर हम देखते हैं तो इसके इस लेवल तक के फॉल होने की संभावना को रूल आउट नहीं किया जा सकता है। आई डोंट नो बट एनर्जी सेक्टर इज लुकिंग क्वाइट वीक और अगर हम प्राइस एक्शन की फर्दर ट्रेंड एनालिसिस करें दोस्तों तो यहां से अगर हम एक ट्रेंड खींचे तो हम देख सकते हैं इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक यहां पे कर चुका है। सो दोस्तों ये वीक है और एनर्जी सेक्टर में कॉशियस अप्रोच होना चाहिए। अब बढ़ते हैं दोस्तों देखते हैं मिड कैप इंडेक्स को और यहाँ मिड कैप इंडेक्स को भी हमने लास्ट वीक में डिस्कस किया था, ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकडाउन हुआ था और इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल के ब्रेकडाउन का जो बेसिकली टारगेट आता था वो हमने यहाँ से निकाल के रखा था, ये टारगेट वर्चुअली इस जगह से इस जगह तक आना चाहिए। तो ये लगता है कि दोस्तों ये इसका टारगेट अचीव हो गया है और टारगेट अचीव होने के बाद अगर हम यहाँ देखें
ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, वहीं पे सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। और इसके बाद में हम ये देखें पिछले दो दिन की कैंडल को, तो दोस्तों ये एक रिवर्सल बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है, बट अभी तक दोनों दिन की जो बॉडी है ये बेरिश कैंडल के विदिन है। अगर ये इस बेरिश कैंडल के हाई को ऊपर तोड़ता है तो वर्चुअली इस पर्टिकुलर ट्रेडिंग रेंज में आ चुका है, तो इसमें मिड कैप इंडेक्स में रिवर्सल की संभावना को यहां से अपसाइड को देखा जा सकता है। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं ऑटो सेक्टर में। अब हम देखें ऑटो सेक्टर में हम काफी अपबीट थे क्योंकि यहां पे हमें आपको एक्सप्लेन किया था लास्ट वीक में कि ये एक बुलिश डाइवर्जेंस नजर आता है, बट उसमें फर्दर करेक्शन हुआ और जो एनालिसिस हमने पिछले वीक में की थी वो उन संभावनाओं पे खरा नहीं उतरा। और अभी फिलहाल देखें तो वंस अगेन सिमिलर स्ट्रक्चर दिखा रहा है। ये हम देखें तो यहाँ बुलिश एनगल्फिंग का फॉर्मेशन है। ओवरऑल ट्रेंड तो ऑफकोर्स बेरिश है क्योंकि प्राइस SMA 233 के नीचे है, SMA 89 233 के नीचे है और EMA 21 EMA 55 के नीचे है। तो दोस्तों इंटरमीडिएट ट्रेंड, शॉर्ट टर्म ट्रेंड सब बेरिश है, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर अगर हम बात करें दोस्तों तो ये आप कंटिन्यूसली यहाँ पर देखिए दोस्तों कि इस जगह पे ये इसने बुलिश डाइवर्जेंस दिखाया और यहाँ पर भी हम देखें तो ये दोस्तों बेरिश तो है बिकॉज RSI 40 के नीचे है, लेकिन रिवर्सल की संभावनाओं को बिकॉज अगर आप चार्ट को ध्यान से देखें दोस्तों तो इस जगह से इस जगह पे फिर लो बनाया, लेकिन यहां पर यहां से हम अगर इसको मूव करके देखें क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्टर है दोस्तों और काफी ये सेक्टर में करेक्शन हो चुका है, और अगर हम यहां पर इसको देखें दोस्तों तो ये लो बनाया है और इस जगह पे हम देखें दोस्तों तो यहां से यहां पर RSI के ऊपर में लोअर नहीं गया है दोस्तों। तो ये बेसिकली कहीं ना कहीं पर इसकी कैंडलस्टिक को भी अगर ध्यान से हम स्टडी करें, क्योंकि कैंडलस्टिक लोग बोलते हैं दोस्तों कि ट्रेडर्स की साइकोलॉजी को इंडिकेट करते हैं। हम यहां देख सकते हैं कि कैंडलस्टिक में डाउनसाइड मोमेंटम लॉस नजर आ रहा है, तो दोस्तों यहां से शायद ऑटो क्षेत्र में बहुत नियर फ्यूचर में अपसाइड की संभावना और एक अच्छे इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी को रूल आउट नहीं किया जा सकता है। चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं बैंक निफ्टी की तरफ, जिसे हम निफ्टी बैंक बोलते हैं। शायद हमने फार्मा क्षेत्र को स्टडी नहीं किया है, तो अभी देखते हैं दोस्तों ये फार्मा क्षेत्र का इंडेक्स है निफ्टी फार्मा, और ये कुछ इस क्षेत्र में हमें रिवर्सल, यहाँ पर आप देखिए प्राइस इसने लोअर लो नहीं बनाया है, इस काउंटर ट्रेंड लाइन को प्राइस ने ब्रीच करके अपसाइड में किया और उसके बाद जो रिट्रेसमेंट हुआ ये करीब काउंटर ट्रेंड लाइन नहीं बोलेंगे, रेजिस्टेंस लाइन बोलेंगे, यहां तक इसने टेस्ट करके अगेन इस जगह पे देखें तो वन वाइट सोल्जर का फॉर्मेशन किया और आज इसमें कंफर्मेशन हुआ है। ओवरऑल ट्रेंड बेरिश है क्योंकि इसमें भी बहुत डीप करेक्शन हुआ है दोस्तों, लेकिन यहां से एक रिवर्सल सिग्नल हम देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कितना मेजर करेक्शन हुआ है फार्मा के स्टॉक में और यहां से ये कंसोलिडेट होता हुआ नजर आ रहा है, बट जब तक ये यहां से देखिए इसने हायर हाई का फॉर्मेशन किया और यहां पर लोअर लोज बनाने में फेल हुआ है। सो दोस्तों इस क्षेत्र में भी नजर रखने वाली बात है जहां पे अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अब हम IT क्षेत्र को पहले देखते हैं, बैंकिंग क्षेत्र में जाने के पहले दोस्तों IT क्षेत्र में हमने डिस्कस किया था कि एक हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन है, प्राइस ने यहां ब्रेकडाउन दिया, रिट्रेस किया, करीब नेकलाइन पर टेस्ट की और उसके बाद आप देख सकते हैं ये इसमें वीकनेस नजर आ रही है दोस्तों। सो इसमें करेक्शन की संभावना नजर आ रही है
क्योंकि हम यहाँ देख सकते हैं कि ये पैटर्न का ब्रेकडाउन है। और दोस्तों ये जो लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन और ये नेक लाइन जो है, अगर हम नेक लाइन को ये देखें दोस्तों, इसे अगर प्रोजेक्ट करें आगे की तरफ, तो ये जो कन्फ्लुएंसिंग पॉइंट होगा जो EMA 55 के पास आ रहा है। तो दोस्तों 15,750 से लेके 15,800 एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। यस, पुलबैक पॉसिबल है, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर वीक नजर आ रहा है। ये निफ्टी बैंक का चार्ट है दोस्तों। लास्ट वीक में हमने डिस्कस किया था इस बैंड को, अगर प्राइस ब्रेकडाउन करती है दोस्तों और ब्रेकडाउन करती है तो यहां तक गिरने की संभावना है, और ये हमने इस बॉक्स को मेजर किया था और इसको प्रोजेक्ट करते हैं दोस्तों। तो आप देखिए वर्चुअली इसने उसी जगह पे प्राइस को टेस्ट करके, ये एक इम्पॉर्टेंट डिमांड एरिया है, इसको अगर हम थोड़ा सा एडजस्ट करें, ये देखिए इस जगह पे चेकर्ड फॉर्मेशन है और ये एक डिमांड एरिया है। प्राइस ने वहीं पर टेस्ट करके अपसाइड में मूव दिखा रही है। ये गैप भी जो था वो फिल हो चुका है और दोस्तों इसमें रिवर्सल के चांस नजर आ रहे हैं, बट इसको इमीडिएट जो रेजिस्टेंस मिलेगा दोस्तों वो 30,200 के आसपास में ये रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, जो यहाँ पर ये क्वाइट ऑब्वियस है जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन खींची गई है। अब हम दोस्तों चलते हैं निफ्टी के प्राइस चार्ट पे और अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे जो हमारा बेंचमार्क इंडेक्स है। और दोस्तों इसको अगर हम ध्यान से देखें दोस्तों, तो पिछले सप्ताह में हमने कई लेवल की बात की थी दोस्तों, आप उस वीडियो को अगर रिवाइज करके देखेंगे, ब्रॉडली निफ्टी उसी रेंज में ट्रेड हुआ है जो हमने डिस्कस किया था दोस्तों। अब दोस्तों ये 11,100 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहां पर 11,220 एक सपोर्ट नजर आता है, क्योंकि ये आप देखिए एक डिमांड एरिया है। अगर हम इसके चार्ट को और स्मॉल करें दोस्तों, तो हम यहां देख सकते हैं कि इस जगह पे काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इसको। सो दोस्तों निफ्टी की संभावना, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 11,100, इमीडिएट सपोर्ट लेता हुआ जो नजर आ रहा है दोस्तों वो आ रहा है इस पर्टिकुलर जोन पे, ये जो डिमांड बैंड है दोस्तों। और दोस्तों ये अगर हम इसे ध्यान से देखें तो ऐसे में 233 भी 11,100 से कॉन्साइड कर रहा है दोस्तों। ऐसे में 233 की वैल्यू है दोस्तों आज 11,167.53। सो दोस्तों ये एक क्रिटिकल सपोर्ट एरिया पर है और इसका जो लोअर बैंड है वो है 11,200। तो हमें क्या फिगर याद रखना है दोस्तों, 11,100, 11,220 क्यों बोल रहा हूं दोस्तों मैं, चलिए एक 1 आवर के चार्ट पे चलते हैं। अगर हम यहां पे ध्यान से देखें दोस्तों, तो ये एक प्राइस ने इस बॉटम को तोड़ा नहीं, डबल बॉटम जैसा फॉर्मेशन हुआ। अब इसका अपेक्स है दोस्तों 11,365 पर और इसका जो सपोर्ट है 11,220 पर। तो दोस्तों ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेंज हो गई 11,220 से लेकर 11,365। जब तक प्राइस 11,365 को ब्रीच करके ऊपर ट्रेड नहीं करती है, तब तक इस नैरो रेंज में ट्रेड होने की संभावना नजर आ रही है। तो दोस्तों इस एनालिसिस के बाद हम अब चलते हैं ऑप्शन चेन के एनालिसिस में और हमें फिगर्स याद रखने हैं 11,220 एंड 11,365, जो एक ब्रॉडर रेंज है, और अनदर एक्सट्रीम रेंज इज 11,100। सो 11,100, 11,220, 11,365। अब ऑप्शन चेन एनालिसिस करते समय हम इस रेंज को कोरिलेट करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो चलिए चलते हैं दोस्तों ऑप्शन चेन एनालिसिस पर। ये दोस्तों हम एनएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए और ये निफ्टी का ऑप्शन चेन है, जो
जो वीकली कॉन्ट्रैक्ट है 1 अगस्त को एक्सपायर करेगा, मीन्स अगले सप्ताह में, आने वाले वीक में थर्सडे तक, फर्स्ट अगस्त तक की ये व्यू को दर्शाएगा। अब दोस्तों हम देखते हैं पुट साइड में, अगर हम देखें तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो नजर आ रहा है दोस्तों 21,59,250 जो स्ट्राइक प्राइस है 11,200, तो इसका मतलब है 11,200 एक सपोर्ट की तरह एक्ट करना चाहिए और इस प्राइस को 1 अगस्त तक का जो एक्सपायरी वाला वीकली कॉन्ट्रैक्ट है वो इंडिकेट कर रहा है कि इसे डिफेंड करना चाहिए डाउनसाइड में। सो 11,200 इज अ सपोर्ट। नाउ प्राइस एनालिसिस पे हमने देखा 11,220 आ रहा है, सो मोर और लेस इट इज कमिंग नियर टू दैट। अब हम चलते हैं कॉल साइड के, अगर हम देखें दोस्तों तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट यहां नजर आ रहा है दोस्तों 11,400 स्ट्राइक प्राइस पे, 18,58,500 कॉन्ट्रैक्ट्स है। तो दोस्तों 11,400 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा आने वाले। सो ट्रेडिंग रेंज हम क्या बोल सकते हैं दोस्तों आने वाले वीक में 11,200 से 11,400, और प्राइस एक्शन जो हमने देखा चार्ट के ऊपर में उसके अलावा हिसाब से 11,220 से 11,365। सो दिस इज द ब्रॉडर रेंज इन विच निफ्टी इज लाइकली टू ट्रेड इन द फोर्थ कमिंग वीक एंड दिस एनालिसिस विल होल्ड टिल 1 अगस्त 2019 द डे ऑफ एक्सपायरी। तो दोस्तों अगर आपको ये प्रेजेंटेशन पसंद आया है तो दोस्तों इसे लाइक करें, थम्स अप दें एंड दोस्तों अपने फ्रेंड सर्किल में, दोस्तों के बीच में और सोशल मीडिया पे इसे शेयर करना ना भूलें ताकि दूसरे लोगों को भी इसका फायदा हो सके और वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बन सके। एंड दोस्तों अगर आप इस चैनल को वॉच कर रहे हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपके राइट साइड में एक सब्सक्राइब बटन है, उसे क्लिक करें और इस परिवार का हिस्सा बने, क्योंकि ये फ्री यूट्यूब चैनल है। एंड दोस्तों सब्सक्राइब करने से केवल उद्देश्य पूरा नहीं होगा, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को एनेबल करना ना भूलें नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आपको हर आने वाले वीडियो के बारे में, हर नए वीडियो के बारे में आपको जानकारी मिल सके और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।